बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खुरेजी आ रखा हूं और खुरेजी में मैंने चक्की वाले शर्मा जी चक्की वाले की दुकान का नाम बहुत सुन रखा था और 60 साल पुरानी दुकान है। यहां पर मसाले भी पीसे जाते हैं और आटे के तो मेरे ख्याल से 9-10 आटे तरीके के होंगे यहाँ पे। और आज आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर आटा पिसता है और सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर एक भैया है, उनसे लेंगे इन्फॉर्मेशन। सेकंड पीढ़ी है, थर्ड पीढ़ी है, वो तो भैया से जानेंगे। आइए अब भैया से बातें करते हैं, चलते हैं। और मसाला मेरे ख्याल से इस तरफ पिसता है और जो आटा है वो इस तरीके से पिसता है। 700 से 800 तक की वीडियो बना रखी है मैंने, लेकिन अभी तक किसी में भी ये नहीं दिखाया कि किस तरीके से आटा पिसा जाता है। नॉर्मली हम आशीर्वाद आटा खाते हैं, शक्ति भोग खाते हैं, क्योंकि 5 किलो की पैकिंग 10 किलो की पैकिंग हमें मिल जाती है, लेकिन हमने कभी भी आज तक ये नहीं देखा कि किस तरीके से आटा पीस के हमें मिलता है। तो फ्रेश फ्रेश गेहूं भैया खोलेंगे और कट्टा खोलेंगे और उसके बाद डालेंगे और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी लूँगा और ये भी बताऊँगा कि अगर किसी को ये बिज़नेस करना है तो कितने कॉस्ट में कर सकता है और क्या स्टार्टअप कॉस्ट लगेगी इसमें। तो आइए भैया से मिलते हैं, पंडित जी से मिलते हैं और पंडित जी से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। और आओ चलो मिलते हैं भाई। राम राम। राम राम जी, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया। क्या एक मिनट है इनमें, देखो अभी मैंने भैया से ना, आप लोग वीडियो में तो आ गए हूँ लेकिन आप लोग, मैंने भैया से एज नहीं पूछी। एज ना आप कमेंट में बता देना कि अभी कितनी लग रही है और एकदम वीडियो के लास्ट में मैं आपको एज बताऊंगा भैया की कितनी है। क्या नाम है भाई आपका? सुनील। सुनील नाम है, सुनील शर्मा। शर्मा भैया कितने साल पुरानी दुकान है? ये 60 साल। मतलब इस एरिया में अगर ये पूछ लिया जाए, दूर तक 1.5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर पूछ लिया जाए पंडित जी चक्की वाले, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या एरिया है भैया? ये पड़ेगा आपका खुरेजी खास। ये दुकान किसने एस्टेब्लिश करी भैया? ये हमारे पिताजी ने एक्सपेंड करी थी। अच्छा। सन 60 में। अच्छा, 63 साल हो गए। हाँ जी, 63 साल हो गए। दोस्तों मुझे माफ़ करना कि मैंने 60 साल बोले, 3 साल की मेहनत को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में। अब भैया यहाँ पे बहुत सारे मतलब मसाले भी होते हैं और आटा भी होता है, सब चीज़ होते हैं। आटे कितने तरीके के होते हैं? आटे पे मेरा वैरायटी 8-9 आटे की वैरायटी। 8 और 9। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आटे लगे हुए हैं जी। ये आपका सोयाबीन का आटा है जी, ये जौ का आटा है, चावल का आटा है, बेसन है जी, और ये आपका इसका एक और सोयाबीन का है, और आपका चने का आटा है जी, जी, जी। और ये गेहूं के आटे हैं जिसमें देसी आटा भी है, मेरे पे एमपीके भी है। एमपीके और देसी आटे में डिफरेंस बता दो। देसी आपका यूपी है ना, राजस्थान का होता है जी, जी, जी। और एमपी आपका मध्य प्रदेश का होता है। एमपी के अंदर मेरे पे कम से कम 4-5 वैरायटी है जी, हर एक क्वालिटी गेहूँ के हिसाब से बनाई गई है चुन चुन के। सबसे महंगा आटा कितने का पड़े भाई? सबसे आटा बड़े तो महंगा पड़ेगा मेरे पे 55 रुपए किलो का पड़ेगा। 55 रुपए किलो आटा तो भैया। और जो सबसे लोअर वाला? लोअर 36 रुपए। 36 रुपए का मतलब 360 का 10 किलो और 550 उसकी क्वालिटी ऐसी होगी, आप सुबह रोटी बनाओगे शाम तक बिल्कुल नरम रहेगी रोटी उसकी, सूखेगी नहीं उसकी रोटी। तो भैया आज आप हमें, अच्छा भैया ये अगर मशीन किसी को चाहिए कितने की पड़ेगी? ये मशीन कम से कम 30,000 की पड़ेगी, इसका लंबा प्रोसेस है बहुत, क्योंकि इसके लिए पावर लेनी पड़ती है। लेबर कॉस्ट भी तो, मतलब लेबर को भी तो आनी चाहिए बनाने में। लेबर इसके लिए बहुत ही होती है, लेकिन आज की डेट में लेबर ही नहीं मिलती इस काम के लिए। अच्छा। ये हमारा अपना काम है, हमारे को सारा आपको आपके बाबूजी ने सिखाया, हमारे पिताजी ने सिखाया था सारा। चलो भैया दिखाते हैं कि किस तरीके से आटा बनता है, बड़े भाई दिखाएंगे अब हमें। ये गेहूं तला हुआ है इसमें। अच्छा। ये आपका इसमें से आ रहा है, अल्लाह कहते हैं। तो देखो वीडियो को बीच में स्टॉप करना पड़ा है क्योंकि इस तरीके से लोग आते रहते हैं रिक्शे में रख रख के गेहूं वगैरह, और आप देख रहे होंगे ये बंद कट्टे जो साइड में रखे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं आया था ना तो यहाँ पे एक भैया आए, और भैया आने के बाद क्या किया, भैया ने यहाँ पे कट्टा रखा, और कट्टा रखने के बाद वो मुझसे बोल के गए कि शर्मा जी को बोल देना कि 20 किलो आटा छोड़ दिए हैं। अच्छा, मेरे को लगा कि यार उन्होंने नाम वगैरह भी नहीं बताया, उन्होंने ना कट्टे में अपना नाम लिखा हुआ था शमशुद्दीन, अगर शायद कहीं कट्टा पड़ा हो तो। एक सेकेंड अब है दिखाइए, देखो ये हमने बताया भैया को कि वो कट्टा छोड़ के गए, तो फिर भैया ने बताया कि ऐसे ही कस्टमर हम इनकी, मतलब रिलायबिलिटी बहुत बढ़े रखी है यहाँ पे ना, लोगों का विश्वास, 60 साल पुरानी दुकान है। अब चलते हैं, ये कस्टमर थोड़े हमारे भैया जो आए हुए हैं ये चले जाएंगे, अगर कट्टा रख के शाम को लेने आएंगे पिसवाई आटे की, मतलब उसके बाद भैया हमें एक फ्रेश, किस तरीके से फ्रेश आटा तैयार होता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे भैया। तो अब ये देख रहे हो आप, यहाँ पे गेहूँ रखा हुआ है, गेहूँ के कट्टे रखे हुए हैं, यहाँ से पंडित जी आते हैं गेहूँ का कट्टा लेके और
फ्रेश फ्रेश एक कट्टा फटने जा रहा है, खोलने जा रहे हैं भैया हमारे। क्या नाम है भैया इसका? ये एमपी का कट्टा है, दूध मलाई। एमपी का कट्टा है, दूध मलाई मार का है इसका, दूध मलाई का। ये आगे हम क्यों दिखा रहे हैं, हम इसका फ्रेश आटा देते हैं 36 रुपए किलो। अच्छा हाँ, और ये एमपी का आटा है जी। ये प्रोसेस दिखाएंगे, ऊपर से लिखा हुआ है इस पर। हाँ। सारे डाल लोगे क्या बड़े भाई? अच्छा हाँ। कितना है ये? 30। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ भैया कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है आपने। पानी का क्या रोल है? पानी का ये रोल है कि जो ये हम धाप लगाते हैं इसको बारीक करने के लिए आटे को, ये लकड़ी का गुटका होता है। अच्छा। और ये सॉफ्ट चल रही है, इसके सॉफ्ट गर्म होने से लकड़ी का गुटका जल जाता है। तो जलने से क्या होता है, वो धाप ढीली जाती है, आटा मोटा फेंक देती है। तो उसको ठंडा रखने के लिए इसके अंदर चैन चलती रहती है, जिससे गुटका गर्म नहीं होता, तो धाप ढीली नहीं होती हमारी। तो आपने बहुत तगड़ी जानकारी दी भैया। ये आ गया आटा, मतलब निकल आया? हाँ, ये पुराना आटा था जो निकाला है। अच्छा। जो हमने गेहूँ डाली है इसका आटा भी निकल के दिखाता हूँ। ये कपड़ा कौन सा होता है? नॉर्मल कोई भी कपड़ा लगा लो। मार्किंग का कपड़ा लगाते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये कट्टा पूरा खाली है, और अब देखने वाली चीज है कि इसमें आटा कितनी जल्दी से भर जाएगा। फ्रेश आटा आ गया, फ्रेश। कितनी देर में पीस देती है भैया? ये टाइम है, आपका एक घंटे में एक क्विंटल वजन पीस देती है गेहूँ। एक घंटे में 100 किलो? 100 किलो आटा। ये इसका आटा भी तो फ्रेश जी। अब ये बारीक आटा, अगर मुझे इसको मोटा करना होगा ना, तो मैं ऐसा थोड़ी ढाप ढीली करूँगा जी। तो नॉर्मल गोल आटा हो जाएगा ये। तो हम जैसे नॉर्मल इंसानों को पता भी नहीं है कि ये सब क्या है। इस मामले में हम देखो अंगूठा टेक हैं, जो शर्मा जी ने बता दिया हमें, तो देखो वही मानना पड़ेगा। और 60 साल पुरानी दुकान है ये, तो भैया को तजुर्बा तो है ही बहुत ज्यादा। भैया आपको कितने टाइम का तजुर्बा है यहाँ पे? मेरे को कम से कम 25 साल हो गए अपनी इस लाइन में काम करते। चलो थोड़ी बहुत तो अभी भी आपको लग रहा होगा कि भैया की उम्र 25 साल से तो अब ज्यादा ही लग रही होगी आप लोगों को। अभी भी 1-2 मिनट बच्चे हैं भैया की एज बताने के लिए। अलग ही सस्पेंस क्रिएट हो गया कि भैया की एज कितनी होगी। और ये आटा भैया पूरा कितनी देर में आ जाएगा नीचे? 15 मिनट लगेंगे। मोशन में देखो ये धीरे धीरे जा रहा है। उसमें पत्थर टकराते हैं, उसको दाब कहते हैं हम अपने हिसाब से। क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं, दाब लगाते हैं पत्थरों में। अच्छा, तो पत्थर टकराने की आवाज आ रही है, इसीलिए आ रही है। खाली चलेगा तो किरकिरा भी फट सकता है। आप बांधो भतीजे हो। अच्छा, तो दोस्तों बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है दुकान पे। चोकर के रिलेटेड भैया कुछ बता रहे थे ये चोकर क्या ना, हमारे जो आटे होते हैं, हमारे आटे में हर में चोकर मिलेगी आपको जी। क्योंकि आजकल जितनी भी पेट की बीमारी है, बिना जितने भी थैली वाले आटे आ रहे हैं ना, आपको किसी में भी चोकर नहीं मिलती, जिससे क्या होता है कि पेट की कंडीशन खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि चोकर वाला आटा खाओ या चोकर खाओ। चोकर आप मार्केट में जाओगे लेने, चोकर 100 से लेकर 120 रुपये किलो तक का रेट है, क्योंकि कंपनी चोकर निकाल लेती है गेहूँ के ऊपर से मोटा मोटा छिलका। हमारे चीज़ हमें जो होते गेहूँ है, ये इसके अंदर हमारा सारा चोकर मिलेगा आपको। हम इसे मशीन से नहीं निकालते। चोकर क्या होता है भैया? चोकर यही होता है जो गेहूं का होता है, अंदर ऊपर का हिस्सा होता है मोटा मोटा, वो निकाल लेते हैं। जो अंदर रह जाता है उसमें फिर आटे में जान नहीं रहती, वो मैदा बन जाता है। अच्छा हाँ, जब आप खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं करेगा वो आटा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है भैया ने, और ऐसी इन्फॉर्मेशन इसलिए मिल पाई हमें क्योंकि भैया को खुद को 25 साल का तजुर्बा है, दुकान 60 साल पुरानी है। और आटा देखो फ्रेशली आटा कितनी जल्दी से आधा कट्टा भर चुका है। आपको बताता हूँ, और एड्रेस यहाँ का एक बात बताऊंगा। एड्रेस बताना बड़े भाई। एड्रेस हमारे यहाँ पड़ेगा खुरेजी का 182 खुरेजी खास, और अपोजिट हमारे 16/125 गीता कॉलोनी में गोगे पनीर वाले के सामने पड़ेगी खुरेजी। यहाँ पर मेन खुरेजी बस स्टैंड है, मेन रोड पे पेड़ के पास। यहाँ उतर के कोई भी अंदर आ सकता है यहाँ पर।
और सबसे पूछोगे आप बता देगा कि पंडित जी की चिक्की कौन सी है। टाइमिंग मेरे पे दिल्ली एनसीआर के लोग भी आते हैं और आप मानोगे नहीं, मेरे विदेश में भी मेरा आटा जा चुका है यहाँ से, तो मेरे सोयाबीन वगैरह के आटे कई लोग विदेशों में भी ले जा चुके हैं। सोयाबीन के आटे भैया कई लोग विदेश में भी ले जा चुके हैं। तो अब एड्रेस भी बता दिया। अब मैं अपने भाई की, बड़े भाई की एज बताता हूँ। बड़ा भाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया हमसे 17-18 साल बड़े हैं। कितनी साल है भैया? मेरी 41 ईयर्स। और फिट और मेंटेन भैया, भैया का कहीं से कहीं तक नहीं निकल रखते है हमारा, देख लो अदरक की तरह हो रखे। नहीं भाई, इस काम में बहुत मेहनत चाहिए यार। वैसे भी फिटनेस कर रहा। तो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिर मैं मिलता हूँ आपको किसी अच्छे इंसान के साथ। धन्यवाद और प्रणाम सभी को।